हाँ जी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो लेसन हम रखने वाले हैं वो ढोल के तिरगिट का रखने वाले हैं, क्योंकि ढोल के पैच तो हर कोई बता देता है ऑलमोस्ट, उनको प्ले कैसे करना है, उस पर क्या प्ले करना है आई थिंक कोई नहीं बताता जल्दी से। तो चलिए आज ढोल के तिरगिट की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ऑलवेज रहती है, कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को कमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एंड सेकंड थिंग, कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपको पैंट सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो चलिए अब जल्दी से इसकी देख लेते हैं प्लेइंग। एक्चुअली जो मैंने बोल प्ले किए हैं वो बोल थे धा नाके तेरे किट तक तक तेरे किट, ठीक है? तो धा का जो साउंड निकलता है वो तिल्ली और बाएं को एक साथ हिट करेंगे तो धा का साउंड निकलता है धा, ठीक है? अभी ना और के, ना तिल्ली को खाली प्ले करने से बहुत से लोग इसे तिल्ली बोलते हैं, चाटे बोलते हैं, ठीक है? तो तिल्ली को खाली प्ले करेंगे तो ना का साउंड ना के, बाएं साइड में हम अगर हैंड से प्ले करते हैं तो म्यूट साउंड करने के लिए के आता है, ठीक है? के धा ना के तीर है, हम तिल्ली पे ही प्ले करते हैं दोनों बोल, ठीक है? अभी के ट के जो है वो वापस से म्यूट साउंड और फिर वापस से तिल्ली पे, ठीक है? तो जो बोल बने अभी ये बने धा ना के तेरे किट तक तक तेरे किट। आप लोगों को बता दूं, ता और ना दोनों सेम बोल है, ठीक है? ना कोई ता बोलते हैं और ता कोई ना बोलते हैं, ठीक है? तो वापस से देखते हैं धा ना के तेरे किट तक तक तेरे। एक बार वापस से देखते हैं बिल्कुल स्लो में, ठीक है? धा ना के तेरे किट ना के ना के तेरे किट। आप लोगों को बिल्कुल स्लो में इसे रियाज करना है, बिकॉज कि आप लोगों को अभी जो बिगनर्स है स्पेशली उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि हाथ में रियाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग शो ऑफ में जीते हैं, तो शो ऑफ में नहीं जीना है, बिल्कुल पहले डीपली से रियाज करना है, देन किसी के सामने कुछ प्ले करना है, ठीक है? तो अगर आप इसे स्लो से प्ले करेंगे देन इसका टाइम को इंक्रीज करना है, ठीक है? अभी इसमें हमें एक चीज़ ऐड ऑन करनी है। अब जैसे अभी मैंने ये प्ले किया, ये एक्चुअल तरीका यही है, ठीक है? बट बहुत से लोगों का हाथ फंसता है दूसरा बायां यूज़ करने में, ठीक है? दूसरा पैड शिफ्ट पे करने के लिए, दूसरे पैड पर अगर शिफ्ट करने में अगर आप लोगों का हाथ फंसता है तो आप लोग सीधा बाएं पे ही आप लोग ये सेम बोल प्ले कर सकते हैं म्यूट का भी, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं पैच की एडिटिंग जल्दी से, ठीक है? एडिटिंग के अगर एफेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहले एफेक्ट्स मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो 5 नंबर का यूज़ किया हुआ है कंपोजर के नाम से। इसका थ्रेशोल्ड बस मैंने 0 किया है, अदरवाइज सारे एडिटिंग सेम है, ठीक है? फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अंदर का एडिटिंग की बात करूँ तो सबको मैंने पैड का एफेक्ट्स दिया हुआ है। बात करते हैं केवल 3 पैड्स की जिसमें मैंने क्रिकेट का बोर्ड सिखाया है, तो वो यहाँ से इधर से 5th नंबर 6th नंबर और 7th नंबर, ठीक है? इस पर मैंने यूज़ किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट PC1 के अंदर 004 टिम्बल L ओपन यूज़ किया हुआ है। अंदर क्या रेटिंग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद इधर यूज़ किया मैंने
का साउंड यूज़ करने के लिए म्यूट हैंड म्यूट भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। PC1 का 06 यूज़ किया हुआ है और PC1 का ही 076 भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अंदर क्या रेटिंग आप लोग देख सकते हैं। ओके, बात करें सेवन्थ नंबर पैड की, तो इंस्ट्रूमेंट में टिम्बल यूज़ किया हुआ, टिम्बल एच रिम यूज़ किया हुआ है 02 नंबर पे इंस्ट्रूमेंट PC1 के अंदर, और अंदर क्या रेटिंग आप लोग देख लीजिए। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और गाइज कंटिन्यू वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।